आरक्षण का मसला भी गरमाया हुआ है, खासतौर पर 400 पार के नारे ने थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि स्वयं बाबा साहब भी पधार जाए तो भी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बड़े कर्म है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हमेशा देश को तोड़ने वाला रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह कांग्रेस में भी आ गया है? नहीं, कांग्रेस जीरो, यानी 25 जीरो अभी भी बरकरार है। निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली। राजस्थान चौक की चुनावी यात्रा आज ग्राउंड जीरो पर यानी चित्तौड़ में है, और चित्तौड़ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज पूरे शहर में यहां पर रोड शो करके वोट मांगने की तैयारी है। सीपी जी, बड़ा ही भावपूर्ण माहौल है चुनाव के लिहाज से, अब क्या देख रहे हैं? अब तो घड़ी आ गई है, अब कल शाम तक तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि चित्तौड़ की जनता फिर से मोदी सरकार को बनाने के लिए तैयार बैठी है, और 10 साल में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं पूरा आशीर्वाद जनता का मिलने वाला। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बड़े कर्म है आप। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो हमेशा देश को तोड़ने वाला रहा है, और भारतीय जनता के मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में हमेशा इस देश के राष्ट्रवाद के लिए, इस सर्वांगीण विकास के लिए बातें होगी, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के समय से इस देश को तोड़ने की बातें की। सर, बढ़त ग्रामीण या शहरी किस क्षेत्र में ज्यादा लेने की तैयारी है? हर क्षेत्र में, शहर हो या ग्रामीण, हर क्षेत्र लोगों का आशीर्वाद रहे। एक मसला तो गुजरात का हुआ, उसके बाद आपने योगी आदित्यनाथ जी, दिया कुमारी जी और यहाँ तक शिवराज जी भी आ गए हैं, क्या राजपूत वोटर्स थोड़ा सा मानस अलग बनाए हुए हैं? नहीं, पूरा सबका आशीर्वाद मिल रहा है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है। राजपूत वोट कभी अकबर महान कहने वालों के साथ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हमेशा से जनसंघ के समय से यहाँ मेवाड़ में राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अगर बात करें पहले पहले चरण के मतदान के बाद आप किस तरीके से देख रहे हैं, थोड़ा सा उत्साह कांग्रेस में भी आ गया है? नहीं, कांग्रेस जीरो, यानी 25 जीरो अभी भी बरकरार है। निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली। मोदी जी भी अब आकर सभा कर कह के गए हैं कि जो मैनिफेस्टो में बात है खास तौर पर धन देने की, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह दिख रही है। देखिए, कांग्रेस की असलियत उन्होंने बताई। कांग्रेस ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यकों का है, और मोदी जी ने कहा गरीब का, आदिवासी का, दलित का पहला हक है। तो यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अंतिम सवाल ले लेते हैं, आरक्षण का मसला भी गरमाया हुआ है, खासतौर पर 400 पार के नारे ने थोड़ी मुश्किलें बढ़ाई है। देख, कांग्रेस हमेशा से कहीं के गुमराह करने वाली, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि स्वयं बाबा साहब भी पधार जाए तो भी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को गुमराह और बहकाने की बातें कांग्रेस करती है, लेकिन अब इनके बहकाने में जनता नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सीपी जोशी हमारे साथ थे, और सीपी जोशी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बीजेपी सरकार काम करेगी। 25 जीरो का दावा पहले चरण में कम मतदान के बाद भी कर रहे हैं, और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी गुमराह कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, चित्तौड़गढ़।